गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपना पहला ब्लॉग आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मेरे गांव में कैसा मतलब खेत खलियान है और आसपास के कुछ दूरी पर गड्ढे हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसा नज़ारा है। लोग देख सकते हैं इधर, ये छोटा छोटा सा मतलब ज़्यादा दूरी में नहीं फैला है, बस छोटा सा खेत है और इसमें धैंचा धैंचा बोला जाता है इसको, ये सब उपजाया गया है और मूंग की खेती भी हुई है। उसी में थोड़ा सा तोड़ी भी छीटा गया है। ये सब हमारे मतलब बगल के अंकल है, उन्हीं का खेत है। बट मेरा कोई खेत वेत नहीं है जो मैं अपना खेत पर ले जाऊँगा आदित्य भाई की तरह। जो मेरे घर के बगल में और उसको मतलब चौर होता है छोटा सा, वही चौर में जो खेत है वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देख सकते हैं कि इधर बारिश के कारण इधर खेत मतलब पड़ता पड़ गया। बारिश जो आया था पिछले साल, बहुत ही ज़ोरदार बारिश थी और इतना ज़ोरदार थी कि यहाँ पर मतलब पूरा पानी भरा हुआ था, ऑलरेडी से पूरा भरा हुआ था। इधर तो कुछ महीनों में धूप कड़क हुई तो ये सब पानी सूखा है। अभी मैं आपको एक छोटा सा पोखर दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखना पसंद करेंगे या नहीं। मैं तो मेरे इधर जो है मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग देखते जाइए। ये देखिए, उतना अच्छा पिक्चर नहीं आता होगा लेकिन व्यू अच्छा दिखने में लगता है, आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं ये गड्ढा है और पानी मतलब यहाँ पर भी बहुत गहरा है और मैं आप लोगों को कुछ अच्छा तो दिखा नहीं सकता हूँ, बस मेरे इधर जो है मैं वो दिखाता हूँ। पिछले 4-5 दिनों से यही सोच रहा था कि मैं पहला ब्लॉग कब बनाऊँगा और कब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो आज मेरा प्लानिंग था मंगलवार को। मैंने सोचा कि आज कुछ नहीं करना है, बस फ़ोन उठाना है और ब्लॉगिंग पर चले जाना है। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा रहा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय।